हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है बेसिक कोर्स में। तो सिंपल सा डिज़ाइन है बिल्कुल ही। ये मैंने एक छोटे बच्चे की बनाई है स्वेटर। ये 3 साल का बच्चा है, उसके लिए बनाई है स्वेटर मैंने। तो ये डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ बना के। मैंने इतना बना लिया है, ये उल्टी सी सिलाई निकाल के अगर बताइए मैंने आपको, तो इस पर इतना बना के बताती हूँ। 3 हमने उल्टे बना लेने हैं। और एक हम ऐसे सीधा उठा लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 3 उल्टे बना लेंगे, 2 और ये 3। धागा दूसरी तरफ करके इसे ऐसे उठा लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर 3 उल्टे बना लेंगे और धागा दूसरी करके इसे ऐसे उठा लेंगे, और फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करके इस फंदे को ऐसे सीधा ही उठाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे बना लेंगे, और ये पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। जो हमने फंदा सीधी साइड से सीधा उठाया था उसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे उल्टी सिलाई में। अब सीधी साइड में आ जाएंगे, फिर वैसे ही हमने बनाना है 3 उल्टे और एक सीधा उठा लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके इसको सीधा उठा लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करके इसे सीधा उठा लेंगे, और धागा फिर अपनी तरफ करके 3 उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करके सीधा फंदा उठा लेंगे, फिर 3 उल्टे बना लेंगे। बस इसी डिज़ाइन को हमने रिपीट करते जाना है, बिल्कुल बनाने में इजी है। जो अभी सीख रहे हैं जो बनाना, तो उनके लिए डिज़ाइन बिल्कुल इजी है। पहले आप शुरुआत यहीं से करें, तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बनना, ये दिख रहा है आपको, 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे एक सीधा। तो इसी तरह ये आप डिज़ाइन को बनाएं। थोड़ा सा मैं और बना बताती हूँ। ये देखें, हमारा वैसा ही डिज़ाइन बन गया है। मैंने इसमें उल्टी ज़्यादा बनाई है, पर मैंने ये आपको बताने के लिए कि आप इसमें जो 3 मैंने उल्टे रखे हैं, 5 भी रख सकती हैं, 6 भी रख सकती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आप जितने मर्ज़ी रखें। तो एक सीधा आप ऐसे उठा लेंगे, उसके बाद मैंने 3 उल्टे बनाए, एक सीधा, 3 उल्टे। तो एक बार मैंने आपको डिज़ाइन बताने के लिए इतने बनाए थे, तो आप कितने भी उल्टे रख सकती हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।